फिरनी जो मेरी पर्सनल फेवरेट है और इसी के साथ हम बनाएंगे मैंगो फिरनी। तो फिरनी होती क्या है? फिरनी एक्चुअली मिट्टी के बर्तन में चावल की खीर सर्व की जाती है। कुछ लोगों को ये गर्म पसंद आती है, कुछ लोग इसे ठंडा कर खाना पसंद करते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है, कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो फिरनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून यानी 50 ग्राम्स चावल लिया है। मैंने यहाँ कोलम राइस ली है। अभी इसे अच्छे से हमें एक पानी से धो लेना है ताकि कुछ भी डर्ट वगैरह होगी तो वो निकल जाए। और अब इस पानी को हम फेंक देंगे और दूसरे पानी में इसे सोक करके हम आधे घंटे के लिए इसे रख देंगे। अगर आपके पास कोलम ना हो तो आप कोई भी शॉर्ट ग्रेन राइस ले सकते हैं। अब एक साफ कढ़ाई में मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क डाला है। फुल फैट मिल्क इसीलिए क्योंकि इससे हमारी रबड़ी बहुत क्रीमी बनेगी। अगर आपके पास फुल फैट मिल्क ना हो तो नॉर्मल मिल्क भी ले सकते हैं, पर इससे हमारी रबड़ी बहुत क्रीमी और डिलीशियस बनेगी। तब यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध पैन में डाल दिया है और इसे स्लो फ्लेम पर हमें एक बॉयल आने तक पकाना है। तब तक जो हमने सोक किए हुए राइस थे उसे हमें मिक्सी में चला लेना है। हमें बस उसे हल्का सा ग्राइंड करना है और हमें ध्यान रखना है कि इसे पूरी तरह नहीं पीसना है। इसके कण यानी दाने हमें रखने हैं, दानेदार हमें पीसना है इसे। अब इसे पीसते टाइम हम 2 से 4 चम्मच पानी ऐड करेंगे। तो इसी तरह हमें राइस को पीस लेना है। आप देख सकते हो कैसे मोटे मोटे दानेदार हमने पीस लिया है इसे। इसी से हमारी फिरनी का टेक्सचर अच्छा आएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड कर लेंगे। इसी 1 लीटर में से मैंने लगभग 2 चम्मच दूध ऐड कर लिया है। अब इसे मिलाकर हम साइड में रख देंगे। अब दूध को एक बॉयल आ गया है। अभी हमें इसे घुमाते रहना है। ध्यान रखें कि हमें नीचे दूध लगने नहीं देना है। कोई भी चम्मच की हेल्प से हमें इसे अच्छी तरह से मिलाते रहना है और साइड में भी जो मलाई है उसे भी हमें स्क्रेप करके दूध में मिक्स करना है। अब गैस का फ्लेम हमें स्लो ही रखना है। पूरे प्रोसेस में हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर दूध को पकाना है। जैसे दूध में बॉयल आ गया अच्छी तरह से, अब जो हमने राइस पीस ली थी उसे हम ऐड कर लेंगे। एक बार इसे अच्छी तरह से हम चम्मच से घुमा लेंगे क्योंकि पड़े पड़े राइस नीचे बैठ गई होगी। तो अच्छे से मिक्स करके हम इसे ऐड कर लेंगे। तो राइस डालने के बाद हमें इसे कंटिन्यू पकाना है, तब तक जब तक राइस अच्छी तरह पक ना जाए। तो हमें इसे कंटिन्यू हिलाते ही रहना है, आप देख सकते हो, ताकि नीचे दूध वगैरह लगे ना। तो हमें नीचे भी स्क्रेप करते रहना है, साइड्स में जो मलाई आएगी उसे भी स्क्रेप करके बीच में ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, वापस थोड़ा सा रुक के मैंने यहाँ पर थोड़ी सी केसर ऐड कर ली है। अगर आपके पास केसर ना हो तो भी चलेगा, कम्प्लीटली ऑप्शनल है। पर केसर से अच्छा कलर आ जाएगा दूध में, अच्छा फ्लेवर आता है। तो अभी हम इस स्टेज पर केसर ऐड कर लिए। लगभग 5 मिनट मैंने राइस डालने के बाद पकाने के बाद इसमें केसर ऐड किया है। तो अब देख सकते हो केसर का अच्छा कलर आ गया है इसमें पककर, और दूध भी हमारा गाढ़ा होने लग गया है। अब इस स्टेज पर आप चाहिए तो एक आधा चावल का दाना हाथ में लेके मसल के देख सकते हो। अगर वो अच्छी तरह से स्मैश हो गया मतलब आपके चावल पक गए हैं। अगर नहीं होता है तो हमें इसे और पकाना है। इस प्रोसेस में लगभग 15 से 20 मिनट जाएंगे आपके दूध को पकाने में और उसे गाढ़ा करने में। तो अब यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से पका लूँगी थोड़ी देर और। अब इस स्टेज पर मैं फिर से चेक कर लेती हूँ कि हमारे चावल पके हैं या नहीं। तो लगभग 5 से 10 मिनट बाद मैं फिर से चेक कर रही हूँ। तो वापस हम हाथ में चावल को मसल लेंगे और चावल अच्छी तरह से स्मैश हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे चावल पक गए हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें शक्कर ऐड कर लेंगे। अब शक्कर की क्वांटिटी ध्यान रखना, जब भी आप खीर वगैरह बनाओ तो जितना आपने अगर चावल की खीर बना रहे हो तो इसका रेशियो हमेशा 1:2 रहेगा। मतलब 4 चम्मच अपने चावल डाले हैं तो 8 चम्मच हमें शक्कर डालनी है खीर में। तो कभी भी खीर बनाओ तो ये क्वांटिटी ध्यान में रखना। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो 1 आधा चम्मच आप ऊपर कर सकते हो। तब शक्कर इसमें मिलाने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते ही रहेंगे। अब देख सकते हो, अब शक्कर डालने के बाद शक्कर अपना पानी छोड़ेगा तो हमें खीर थोड़ी पतली लगने लगेगी। पर हमें इसे इसी तरह पकाते रहना है, कंटिन्यू हिलाना है और फ्लेम हमेशा मीडियम टू लो ही रखनी है। अब देख सकते हो हमारी शक्कर भी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। शक्कर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए हमारी खीर में, घुल जाए, तो इसके बाद हम इसमें
आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब इलायची पाउडर डालने के बाद ध्यान रखें, अगर आप खीर बनाना चाहते हो चावल की, तो स्टेज पर आपको गैस की फ्लेम बंद कर देनी है, बस 2 से 3 मिनट पका लेना है और फ्लेम बंद करना है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी होने स्टार्ट हो जाएगी। और अगर इसको आप खीर की तरह सर्व करना चाहते हो तो स्टेज पर बंद कर दीजिए। तो एक रेसिपी मैंने आपको बता दी कि अगर आपको चावल की खीर बनानी है तो इस तरह बनाइए। प्लस बोनस, अगर जब भी आप चावल की कोई डिश बनाओ या खीर बनाओ, तो उसमें अगर केवड़ा एसेंस या केवड़ा वाटर डालोगे तो उसका फ्लेवर और एनहेंस होगा। अभी इस स्टेज पर मैं थोड़ी सी खीर साइड में निकाल ले रही हूँ मैंगो फिरनी के लिए, तो आप भी इसी तरह करना अगर आपको दो फ्लेवर की बनानी है। तो इस स्टेज पर हम फ्लेम बंद कर देंगे अगर आपको खीर बनानी है। अब आगे याद रखना कि हम इसे अच्छी तरह और पकाएंगे, लगभग 5 से 10 मिनट हमें पकाना है, जब तक हमारी खीर गाढ़ी ना हो जाए रबड़ी जैसे। अब देख सकते हो अच्छे बॉयल आने लग गए, हमें इसे तब तक पकाना है जब तक चम्मच पे इसकी कोटिंग कंसिस्टेंसी ना आ जाए। जब भी हम चम्मच डालें तो उस पर एक लेयर आ जाना चाहिए दूध का, इसे गाढ़ा, तो अब हम समझेंगे कि हमारी खीर एकदम रेडी और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो अब देख सकते हो इस स्टेज पर अब कितनी गाढ़ी हो गई है खीर। अब इसी स्टेज पर हमें फ्लेम बंद कर देना है। खीर भी हमारी चम्मच को देख सकते हो कोट कर रही है, पूरी तरह इसे गिर नहीं रही है। अब यहाँ मैं दूसरे कोई नॉर्मल चम्मच लेके भी आपको बता रही हूँ, देखो कैसे कोट हो रही है ना। इसी स्टेज पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब फिरनी तो रेडी हो गई है। अब मैंने जैसे कहा चावल की खीर बनाओ तो केवड़ा वाटर भी डालते हो तो फ्लेवर एनहांस होता है। अब मैंने यहाँ केसर डाला है, इलायची डाली है, इसीलिए मैं केवड़ा वाटर नहीं ऐड कर रही हूँ, पर अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। अब यहाँ मैंने मिट्टी के जो दिए आते हैं ना उन्हें ले लिया है। मिट्टी के बर्तनों को मैंने 1 घंटा पानी में भिगा के रखा था। कभी भी कोई मिट्टी का बर्तन लाओगे तो उसे ज़रूर ओवरनाइट सोक करना, या एटलीस्ट 1 घंटा तो भी सोक करना। तो अब इसे सोक कर लिया है, जैसे मिट्टी के बर्तन सूख जाएंगे हम इसमें सर्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारी खीर तो एकदम रेडी हो गई है, तो अब इसे हमें सर्व कर देंगे मिट्टी के इस बर्तनों में। अब इसे आलमंड पिस्ताशियो के साथ हम गार्निश करेंगे। आप चाहे तो खीर बनते टाइम भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ ऊपर से डाली है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी दूसरी डिश रेडी हो गई है। अब जो बोनस डिश है हमारी मैंगो फिरनी, वो भी बता देती हूँ कैसे बनाना है। अब यहाँ पर मैंने एक आम ले लिया है, उसका पल्प निकाल लिया है, उसे मिक्सी में हमें घुमा लेना है और एक पेस्ट बना लेंगे। अगर आप अल्फांसो ले रहे हो तो आपको शक्कर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से खट्टे मीठे आम थे तो मैंने इसमें लगभग 1 बड़ा चम्मच शक्कर ऐड कर लिया है। अब इसका एक पेस्ट बना लेंगे हम। और अब यहाँ पर मैंने मैंगो का पल्प निकाल लिया है, जो हमने वाटी में पहले खीर निकाली थी वो वापस हम इसी पैन में ऐड करेंगे। फ्लेम को लो रखना है हमें। अब इसी स्टेज पर हमें इसमें मैंगो का पल्प भी ऐड कर देंगे, ऐसे स्लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अब इसमें हमें कोई शक्कर वगैरह एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस इस पल्प को हमें इसमें ऐड कर देंगे और इसे स्लो फ्लेम पर कंटिन्यू मिक्स करते रहना है और इसे गाढ़ा कर लेंगे हम। अब इस स्टेज पर आप मैंगो के क्यूब्स ऐड कर सकते हो, आलमंड पिस्ताशियो ऐड कर सकते हो, मैं सब बाद में करूँगी। तो अगर आपको चाहिए तो आप इस स्टेज पर ऐड कर सकते हो। इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है, ऐसा गाढ़ा होने लग जाए। अगर आप चाहे तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हो। अब मैं यहाँ येलो फूड कलर डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा कलर एनहांस हो जाए, आप जो चाहे वो कलर ऐड कर सकते हो।
आपके फ्लेवर्स के हिसाब से। तो यहाँ हम इसे 2 मिनट और पकाएंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। हमारी मैंगो फिरनी भी एकदम रेडी है, तो अब इसे सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। तो देखिए, अब इसी तरह अलग अलग फिरनी बना सकते हो, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गई, ऑरेंज हो गया, बस उसका पल्प हमें इसमें ऐड करना है। जब ऑरेंज होगा तब ध्यान रखना कि इसे और ज़्यादा पकाना पड़ेगा, क्योंकि ऑरेंज का जूस जो होगा ना वो पतला होगा, तो उसमें पकाने में टाइम लगेगा। तो आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो आपके हिसाब से, पर ये मैंगो फिरनी तो यम्मी लगेगी। तो चलिए इसे अब सर्व करते हैं। देखा, 3 रेसिपी एक वीडियो में बता दी ना आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो टेक केयर, बाय बाय।